वो किसी में बात है कि कभी कोई हल्का सा साया सा आता है, उसे आदमी पहचान लेता है कि अभी कोई बात हल तलब है, ट्विंकल सी छोटी सी। एक छोटी सी बात जो मैं सिर्फ आज आपने बताई थी मुझे याद है, वो ये थी कि इसलिए आलमगीर और हुकूमत मुहैया नहीं किया था कि हर जगह के लोग मुख्तलिफ होते हैं, उनके मैार सोचने का मैार अलग नहीं, वो एक और बात थी। ये असल बात है जो अब आप बयान करना चाहते हैं। मैंने ये भी कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कहीं भी इस्लाम में कि इस्लाम की एक हुकूमत हो, क्योंकि इस्लाम तो सब दुनिया का मज़हब है और हर जगह फैलेगा, और उसके फैलाव का जो अरसा है वो भी फैला हुआ है बाज़ दफ़ा सैकड़ों साल पर। 1400 साल से इस्लाम ने जहाँ जिन मुल्कों में बीज के तौर पर जगह बना ली थी, आज तक वहाँ भारी अक्सरियत गैर मुस्लिमों की है। तो एक इस्लामी हुकूमत का तसव्वुर बिल्कुल झूठा और बेमानी है, कहीं भी मौजूद नहीं है। उसके बरक्स इस्लाम कुरान करीम से यह पता चलता है कि आपस में मुसलमान हुकूमतों के इख्तलाफ भी हो सकते हैं, और जब इख्तलाफात हों तो सारी उम्मत को मुश्तरका तौर पर उनके खिलाफ पहले उनमें बैठ कर सुलह करवानी चाहिए और इंसाफ के साथ करवानी चाहिए, और उसके बाद अगर कोई फरीक जिद पर कायम रहे तो सारे अपनी मजमूई ताकत को उसके खिलाफ इस्तेमाल करें। या एक स्टेट और स्टेट के अंदर फसाद का जिक्र ही कोई नहीं है। तमाम इस्लामी कुव्वतों को इज्तिमाई हुक्म है, जिसका मतलब है कि अलग अलग मुस्लिम स्टेट्स कायम हैं, और उसके बगैर ये हो ही नहीं सकता मुमकिन। जहां तजर्बा किया गया कि जोग्राफियाई फासलों को नज़रअंदाज करके एक स्टेट आर्टिफिशियली बनाई गई, वो टूट गई, पाकिस्तान और बांग्लादेश देख लो, और जो नेक्स्ट डोर थी, जो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मुतशद्दिद इस्लाम की कायल है, वो तो सारी तारीख में जब से पाकिस्तान बना है पाकिस्तान की दुश्मनी रही है हुकूमत। और ये जो रूस के हमले के बाद जो दोस्ती बनी थी वो आर्जी साबित हुई, अब नए इफ्तराक के रास्ते पैदा हो गए हैं। तो क्या अरब दुनिया में एक हुकूमत मान जाएंगे वो आज? क्या इराक सऊदीया के सामने सर झुका देगा, या सऊदीया इराक के सामने सर झुका देगा इस्लाम की इबादत के नाम पर? तो जो इनकी फितरत बता रही है कि झूठा तसव्वुर है, ये हो ही नहीं सकता, उसके कायल हैं। और एक वक्त में इस्लामी हुकूमत दूसरी कायम हो सकती है, ये नाजायज़ या नामुमकिन नहीं है। इसकी सबसे अहम मिसाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में मुआविया की हुकूमत है। अगर ये इस्लाम के ख़िलाफ़ होती कि मुसलमानों पर लाजिम है कि वो सियासत में भी खिलाफत के ताबे रहें, रूहानी उमूर में कुरान की तालीम में ताबे हैं, कि वो सियासत में भी ताबे रहें, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्यों कॉम्प्रोमाइज़ किया इस बात पर? आपको किसने हक दिया था ये कि मुआविया की हुकूमत को कायम रहने देते और कोई तारुज न करते? बस कथित तौर पर साबित हुआ कि बैकवत खिलाफत एक होती है और हुकूमतें कई हो सकती हैं। ठीक है, बस ये मैंने कहा था कि इस्लाम में तो मुख्तलिफ हुकूमतें मुख्तलिफ वक्तों में कायम रही हैं, रहेंगी हमेशा, और ये तसव्वुर कि खिलाफत सियासत को इकट्ठी करेगी और रूहानी निज़ाम में मरकजियत सियासी निज़ाम में मरकजियत पैदा करेगा, ये झूठ है, बिल्कुल गलत है। ना अल्लाह का मंशा है, ना इसकी कोई दलील कुरान में मौजूद है, समझ गए, और ना इनका मिजाज तैयार है इस बात के लिए। करके देख लें। अब जो खलीफा कहते हैं ना बना, एक और भी बात है, वो सियासी सरबराह होगा कि नहीं सबका? अगर होगा तो ये सारे इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सऊदी हुकूमत और दूसरे ये मोरक्को वगैरह के अलमगरिब के लोग, ये सारे अपने सियासी आइडेंटिटी को खो देंगे और एक खलीफा की सियासी अतात करेंगे,
اگر کریں گے تو وہ خلیفہ کس ملک کا ہوگا؟ پاکستان کا ہوگا، انڈونیشیا کا، یا ملائیشیا کا، یا موراکو کا، یا سعودیہ کا، یا سیریا کا؟ کہاں سے چنیں گے؟ اور اگر وہ فرق ہو جائے گا روحانی اور دینی خلافت کا، تو یہ ان کا جو مسلک بنا بیٹھے ہیں اس کو تو اڑا دیا نا، ہاتھ سے نکال دیا. اور روحانی خلافت ڈیموکریسی پیدا کر ہی نہیں سکتی. ایک نہیں ہے نقص، یہ تو نقصوں سے بھرا پڑا ہے معاملہ سارا. اب ہوگی وضاحت؟ اب دیکھیں مکھی کوئی نہیں چاہیے، ماشاء اللہ ہے بشاشت آ گئی اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ.